ओके, अकॉर्डिंगली द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन, लेट अस स्टडी अबाउट ईच जनरेशन इंडिविजुअली. हम आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्लासिफाइड जो जनरेशन है 5 कैटेगरीज में दिए गए हैं, तो आज हम उन 5 जनरेशन को इंडिविजुअली पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. द फर्स्ट जनरेशन, हमारा पहला जनरेशन क्या है, पहली पीढ़ी क्या है, देखिए. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेरी बिग इन साइज, स्लो टू वर्क एंड एक्सपेंसिव इन कॉस्ट. हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेटा बहुत ही बड़ा था साइज में, और बहुत ही स्लो वर्क करता था, और बहुत ही एक्सपेंसिव था, मतलब कॉस्ट में बहुत महंगा था. दिस जनरेशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली इन द ईयर 1940. ये कब इस जनरेशन में स्टार्टिंग कब हुई थी, अभी लगभग 1940 में. ओके. टेक्नोलॉजी यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, और आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका वैक्यूम ट्यूब है. ठीक है. साइज वेरी बिग, स्पीड वेरी स्लो, स्टोरेज वेरी लेस, कॉस्ट वेरी हाई, रिलायबिलिटी वेरी लेस, विश्वसनीय बहुत कम, लिमिटेशन इमिटेड अ लॉट ऑफ हीट, जब तक गर्म ना हो. ठीक है. लैंग्वेज यूज्ड मशीन लैंग्वेज, टाइम पीरियड 1945 to 1958. आप सभी को इन जनरेशन में इन सभी टॉपिक को याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीज़ें थी आपकी. वैक्यूम ट्यूब इमिटेड अ लॉट ऑफ हीट एंड एज अ रिजल्ट द मशीन हीटेड वेरी सून एंड नीडेड कूलर और एसी टू कूल डाउन. मतलब जो पहले वैक्यूम ट्यूब मशीन थी बहुत जल्दी से गर्म हो जाती थी, जिसका रिजल्ट हमें मशीन का जो रिजल्ट होता था बहुत ही हीटेड हो जाता था. इस वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता, फिर हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती थी, उसको ठंडा करने के लिए एसी की, कूलर की जरूरत पड़ती थी. ठीक है. द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी लार्ज इन साइज, उस जनरेशन का जो कंप्यूटर था बहुत ही बड़ा था. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इफ एनी पार्ट वॉज नॉट इन वर्किंग कंडीशन. और उसको क्या करना, फाइंड आउट करना पड़ता था कि उसे कि पार्ट वर्क करने के लिए. मैंने जैसे क्या बताया कि वो बहुत ही स्लो वर्क करता था. ठीक है. सम एग्जांपल्स ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन कुछ एग्जांपल दिए गए, INIAC कंप्यूटर और UNIVAC कंप्यूटर. ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं बेटा. द सेकेंड जनरेशन, इन 1947 बेल लेबोरेटरीज इन्वेंटेड ट्रांसिस्टर विच फंक्शन लाइक वैक्यूम ट्यूब्स. आपका जो सेकेंड 1947 में कंप्यूटर आया था, बेल लेबोरेटरीज ने इन्वेंट किया था, इसके आविष्कार किया, जिसका नाम ट्रांसिस्टर था. ठीक है. दिस ट्रांसिस्टर वर फास्टर, रिलायबल, स्मॉलर एंड चीपर. दे रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब. जब वैक्यूम को रिप्लेस किया गया, उसके बदले पे आपका ये ट्रांसिस्टर आया, जबकि बहुत ही तेज वर्क करता था, विश्वसनीय था, छोटा था और सस्ता था. ठीक है बेटा. टेक्नोलॉजी यूज्ड ट्रांसिस्टर, साइज स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन से छोटा था. स्पीड हायर देन फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा इसकी स्पीड थी. स्टोरेज उससे ज़्यादा थी, इंक्रीज थी. कॉस्ट रिलेटिवली लेस थी, ज़्यादा महंगी नहीं था. ठीक है. रिलायबिलिटी हायर देन फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा इस पर विश्वास किया जा सकता था. लिमिटेशन इमिटेड सम हीट, बहुत कम हीट होता था. ठीक है. लैंग्वेज यूज असेंबली लैंग्वेज, वहाँ मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज होती है. टाइम पीरियड 1959 to 1964. आप सभी को टाइम पीरियड, स्पीड, स्टोरेज, कॉस्ट और टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करना होगा बेटा. ट्रांसिस्टर वर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन. वन ट्रांसिस्टर कुड रिप्रेजेंट 40 to 50 वैक्यूम ट्यूब्स. आपका जो वन ट्रांसिस्टर है वो 40 to 50 वैक्यूम ट्यूब की मशीन को रिप्रेजेंट करता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर था, IBM 700, IBM 1401 एंड एटलस. ये सब आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ट्रांसिस्टर प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, बट ड्यू टू इट्स लिमिटेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इन्वेंटेड नंबर ऑफ ट्रांसिस्टर कुड बी रिप्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप. आपका जो ट्रांसिस्टर था बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी इसमें जो कुछ इंप्रूवमेंट किया, डेवलप्ड हुआ कंप्यूटर आपका, तो उसका कारण बन गया कि लिमिटेशन उसकी कुछ कम हो गई. ठीक है. तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक का आविष्कार हुआ. किसका हुआ? ICS इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ, जो कि नंबर ऑफ ट्रांसिस्टर था. ठीक है. जिसके रिप्लेस आपका वन सिंगल चिप से किया गया. टेक्नोलॉजी यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, साइज स्मॉलर, स्पीड हायर, स्टोरेज इंक्रीज, कॉस्ट लेस, रिलायबिलिटी हाई, लिमिटेशन नन,
कोई भी सीमा नहीं थी बेटा। लैंग्वेज यूज हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है। टाइम पीरियड 1965 टू 1970। दिस कंप्यूटर वर रिलेटिवली मोर ड्यूरेबल एंड रिलायबल। ओके सम एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर IBM 360, IBM 370, ICL 1900। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा कि हर एक जनरेशन में जब फर्स्ट आपका वैक्यूम ट्यूब आया, फिर उसकी जगह पे आपका ट्रांसिस्टर आया, ट्रांसिस्टर के प्लेस पे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आया। कुछ ना कुछ जब डेवलपमेंट होता गया तो कंप्यूटर आपके चेंज होते गए, ठीक है जनरेशन। अब आपका फोर्थ जनरेशन है द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेड अ ड्रामेटिक चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर आर स्मॉल सिंगल चिप्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरी फास्ट कैलकुलेशन। ओके जो आपका एक जो हम खोज हुआ माइक्रो प्रोसेसर की मेरे एक ड्रामेटिक चेंज हुआ, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ जो कि आपका स्मॉल सिंगल चिप, एक छोटी सी सिंगल चिप थी, ठीक है, कैपेबल परफॉर्मिंग वेरी फास्ट कर, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने में, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज हुई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, साइज स्मॉलर था, स्पीड कैसी थी, वेरी फास्ट थी, बहुत तेज थी, स्टोरेज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्टोरेज था, कॉस्ट बहुत ही कम था, लेस था, रिलायबिलिटी वेरी हाई थी, लिमिटेशन नन था, लैंग्वेज यूज हाई लेवल लैंग्वेज इसमें भी यूज होता था। टाइम पीरियड 1971 टू टिल डेट, आज के टाइम तक जो भी आपका। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 4300, IC 2900, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, द इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ IC इज आल्सो कॉल्ड चिप। हम इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप भी कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। द फिफ्थ जनरेशन फ्यूचर कंप्यूटर, जो आपका फिफ्थ जनरेशन है वो आपका फ्यूचर कंप्यूटर है। द कंप्यूटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मिलियंस ऑफ ट्रांसिस्टर बिल्ट अप ऑन अ सिंगल चिप। टेक्नोलॉजी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम उस टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुआ नेम है। साइज वेरी स्मॉल, स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट, स्टोरेज एक्सट्रीमली बिग, कॉस्ट वेरी लेस, रिलायबिलिटी 100%, लिमिटेशन नन, लैंग्वेज यूज हाई लेवल लैंग्वेज, टाइम पीरियड येट टू कम, जो आपका आएगा, ठीक है। ओके बेटा आपका एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द टेक्निक विच अलाउ अ मशीन टू थिंक एंड डिसाइड ऑन इट्स। और जो आपका आर्टिफिशियल आएगा कंप्यूटर, जो आपका इंटेलिजेंस होगा, वो उसमें एक ऐसी टेक्निक आएगी कि मशीन खुद से सोच सके और डिसाइड कर सके। ओके तो हम लेट्स रिवाइज एक बार फिर से दोहराते हैं, देखते हैं रिवाइज करें। फिंगर्स वर मैन अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। चार्ल्स बेबर इज द कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। मार्क वन वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। द टेक्नोलॉजी यूज इन फर्स्ट जनरेशन वॉज वैक्यूम ट्यूब। द टेक्नोलॉजी यूज इन सेकेंड जनरेशन वॉज ट्रांसिस्टर। द टेक्नोलॉजी यूज इन थर्ड जनरेशन वॉज इंटीग्रेटेड सर्किट। द टेक्नोलॉजी यूज इन फोर्थ जनरेशन इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द टेक्नोलॉजी यूज इन फिफ्थ जनरेशन विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके